साथियों, आज का टॉपिक है वैज्ञानिक उपकरण, यानी कि आज हम वैज्ञानिक उपकरण के बारे में जानेंगे। पहला नंबर, एक एक करके हम सभी जान लेंगे। एक्यूमुलेटर, इस उपकरण के द्वारा विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है। इस विद्युत को आवश्यकता पड़ने पर काम में लिया जाता है, यानी कि जो ये उपकरण है इसके द्वारा विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है और उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर से काम में लिया जाता है, उसके बाद उसे काम में लिया जाता है। समझ में आ गया आप सभी को। अब एरोमीटर, इस उपकरण का प्रयोग वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने में होता है। इस उपकरण का प्रयोग वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने में होता है। अब अल्टीमीटर, अल्टीमीटर क्या है? इसका प्रयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर जो मीटर, आमीटर क्या है? इसका उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। अब आगे हम जानेंगे ओनीमोमीटर, यह उपकरण हवा की शक्ति तथा गति को मापता है। अब आर्डियोमीटर, यह उपकरण ध्वनि की तीव्रता मापने के काम में आता है। अब ऑडियोफोन आ गया। ऑडियोफोन क्या है? इसका उपयोग लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाने के लिए करते हैं, यानी कि एयरफोन जो हम। बैरोमीटर, बैरोमीटर क्या है? यह उपकरण वायु दाब मापने के काम में आता है। यह उपकरण वायु दाब मापने के काम में आता है। अब बाइनोक्यूलर, यह उपकरण दूर की वस्तुएं देखने के काम में आता है। जो बाइनोक्यूलर है यह दूर की वस्तुओं को देखने के काम में आता है। और आ गया कैलिपर्स, कैलिपर्स क्या है? इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास मापे जाते हैं तथा इससे वस्तु की मोटाई भी मापी जाती है। अगर हम मान लीजिए कि ये पेंसिल